डिफरेंस बिटवीन लेमिनेट्स। अब इस तरफ में है मेरे पास दो सनमाइके, यानी कि सनमाइके लेमिनेट्स हैं, एक है मैट, एक है ग्लॉस, और एक तरफ में है पीवीसी लेमिनेट्स जो कि एक है मैट और एक है ग्लॉस। इस पर भी हम टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि ब्लेड टेस्टिंग हो गई, कटिंग टेस्टिंग, हीटिंग टेस्टिंग, फिर पेन से स्क्रैचेस लगा के, मार्कर से निकाल के, सीजर की, पेंसिल्स की, वाटर टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग हम अभी ये सारे पे करने वाले हैं, जो कि ये चार चीज़ें हैं जो रेगुलर चलती हैं। और हम हर बार कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी चीज़ लगाएं, लेमिनेट लगाएं या लेमिनेट कौन सा लगाएं, कि एक्रिलिक पे जाएं तो एक्रिलिक कौन सा लगाएं, या विनियर पे लगाएं तो विनियर भी कौन सा लगाएं, तो उसमें बहुत वैरायटीज़ हैं। तो ये सब को छोड़ते हुए मैंने ये चार चीज़ें ली हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेगुलर है। और इसमें से फिर आता है कि हम मैट लगाएं या ग्लॉस लगाएं, तो मैट और ग्लॉस कहाँ लगाना चाहिए, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। फिर हम पीवीसी पे भी आते हैं, तो पीवीसी अक्सर लोग सोचते हैं कि किचन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गर्म होता है तो पीवीसी पिघल जाएगा या ख़राब हो जाएगा, मसाले के दाग धब्बे लग जाएंगे, एक्सपायर, बहुत सारे मिथ रहती है, तो वो आज ये वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो इसका टेक्सचर हम बता देते हैं, जैसे कि भी एक ग्लॉस माइका है, इसमें की शाइन आ रही है, आपको लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और बैक तरफ से कुछ ऐसा है, और ये बहुत ही नरम होता है कि हाथ से ही टूट जाता है ये। तो इसमें क्या होते हैं, जब भी आप कोई भी कॉर्नर्स बनाते हो तो कॉर्नर्स में अक्सर टूट जाते हैं, चाहे वो वार्डरोब के हों या आपके ड्रेसिंग टेबल के हों, कॉर्नर्स अक्सर इसी की वजह से टूट जाते हैं, क्योंकि ये एकदम से नरम होता है और ये टूटने के बाद ऑफिस से स्टिक नहीं कर सकते हैं। ये ग्लॉस माइका है। अब मैट माइका का कुछ इस तरीके से फिनिश रहता है कि इसमें कोई भी लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लॉस वाली, और ये भी सेम बैग से ऐसे ही रहता है और काफ़ी नरम होता है। अगर आप इस 0.8 mm ले रहे हो, 0.8 जिसको बोला जाता है, या तो 1 mm भी ले दो तो भी वो ऐसे ही होता है, टूट जाते हैं वो। ये था 0.8 और ये है 0.1। इसकी वजह से क्या होता है, कॉर्नर्स अक्सर जो समय के यूज़ करते हैं उसमें कॉर्नर्स ख़राब हो जाते हैं अगर प्रॉपर से पेस्टिंग ना किया हो तो। अब हम बात करते हैं ग्लॉस की। ये ग्लॉस पीवीसी है, इसका भी ये शाइन कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रही है इसमें लाइट, और इसका बैग ऐसा है, ये मजबूत होता है तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये 1 mm और 1.25 mm में होता है, और इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि अगर ये कहीं पे ज़ोर से इसमें मार भी लगती है तो ये बेंड हो जाएगा अपनी पोजीशन को लेके, ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये टूटता नहीं है, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। फिर इसको आप बैक पुश करके वापस अपनी पोजीशन पे भी लेके आ सकते हो, तो ये ऐसे ही दिखने वाला है, तो ये टूटेगा नहीं। और मैट में आपको इसमें कलर का रिफ्लेक्शन या मिरर इफेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि ऑफकोर्स मैट है ही है, इसीलिए इसका फ्रंट का टेक्सचर कुछ ऐसा है और बैक में ऐसे, तो ये भी वैसे ही है कि ये भी नहीं टूटने वाला है। अगर मैं पूरा भी कर देता हूँ तो ये पूरा बैंड भी हो जाता है, पूरा 90 डिग्री बैंड है, खोलो। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आप ऐसे कोई कॉर्नर्स बना रहे हो, अभी इसमें सनमाइका लगा हुआ था, दोनों तरफ से जॉइंट है, अब जब आप ये पीवीसी लगाएंगे तो जैसे आपको पीवीसी को ऐसे लगाना है, पीवीसी को आपको फोल्ड कर देना है, तो यहाँ पे आपको कोई जॉइंट नहीं दिखने वाली है। सनमाइका पीवीसी माइक लेमिनेट का ये फ़ायदा है। और ऐसा अगर मैं ये चीज़ लगा देता हूँ जो कि मैट माइका या ग्लॉस माइका, ये दोनों में से कोई भी, अगर मैं उसको ऐसे फोल्ड करूँगा तो ये टूट जाता है, तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा। तो ये हो गई इनकी स्ट्रेंथ और फिनिशिंग के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे सरफेस की, जैसे कि अगर आप पेन के मार्क्स वगैरह लगाते हैं इस पर, कोई आपके घर में बच्चे हैं वो पेन से लिख देते हैं, तो मैं पेन से पहले लिखता हूँ मैट पीवीसी पे, तो ये चल ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ग्लॉस पीवीसी पे लिखता हूँ, तो इस पर भी वर्क नहीं हो रहा है। अब मैं इसको ग्लॉस माइके पे यूज़ कर देता हूँ, जो कि इजीली ये चल रहा है, और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैट पीवीसी पे या मैट ग्लॉस पीवीसी पे भी कर रहा हूँ तो ये नहीं चल रहा है प्रॉपर, लेकिन ये ग्लॉस लेमिनेट पे चल रहा है और मैट माइके पे भी चल रहा है। तो इसमें अभी क्या हुआ, हमने अभी पेन टेस्ट किया है, अब इसमें हल्के हल्के मार्क्स ग्लॉस पे आए, आपको ग्लॉस पीवीसी पे आपको हल्के मार्क्स आए हैं, लेकिन अब वो भी एक नॉर्मल, मैंने गंदे कपड़े से ही पोंछ रहा हूँ, ये साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो गया जो हल्के से मार्क्स आए थे, और मैट में तो ऑफकोर्स मार्क्स ही नहीं आए। और हमारे जो लेमिनेट थे ग्लॉस माइका, इसमें अगर मैं साफ़ करता हूँ तो ये साफ़ नहीं होगा प्रॉपरली,
ये ग्लॉस में से प्रॉपरली साफ नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो ये ज़रूर साफ़ हो जाएगा। और अगर हम मैट में से साफ़ कर रहे हैं, मैट माइके में से, तो ये क्लीन नहीं होगा मैट में से, तो ये मैट में से ये क्लीन नहीं होने वाला। अगर मैट माइका आप यूज़ कर रहे हो और अगर आपके पेन के दाग लग गए हैं, और पेंसिल के भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब ये मैट माइका है, मैट माइके पे पेंसिल चल रही है बहुत ईजीली, और ये ग्लॉस माइका है, ग्लॉस माइके पे पेंसिल नहीं चल रही है। ये मैट पीवीसी है, मैट पीवीसी पे भी चल रही है पेंसिल, लेकिन बहुत लाइट आ रहा है शेड। और ये है ग्लॉस पीवीसी, तो इस पे भी पेंसिल बहुत लाइट चल रही है। अब इसको क्लीन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे मार्क्स आए हैं पेंसिल के, यहाँ पे ये ग्लॉस पीवीसी है, तो जैसे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, क्लीन हो गया। अब ये मैट मैट पीवीसी है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया, तो बस ईजिली क्लीन हो गया ये। अब अगर मैं ग्लॉस माइके पे तो पेंसिल चली नहीं थी, लेकिन हल्के हल्के शेड्स आए थे, तो मैं अगर रब कर देता हूँ तो ये भी क्लीन हो गया है, मतलब पेंसिल के दाग ग्लॉस माइके से निकल गए। अब मैं मैट माइके पे पेंसिल के दाग भी निकाल रहा हूँ तो नहीं निकल रहे, तो नहीं निकल रहे। अब हम लोग देख लेते हैं मार्कर के बारे में कि मार्कर कैसा यूज़ करते हैं। अगर अब मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्लॉस माइके पे, लाइक वाओ। अब मैट पे भी लिख देता हूँ मैं, ये मैट माइका है, वाओ। ये है ग्लॉस पीवीसी और ये है मैट पीवीसी, तो जिस पे हमने सबसे पहले लिखा था, हम सबसे पहले उसी को ट्राई करेंगे रिमूव करने का। ये है मैट माइका, तो मैट माइके से रिमूव तो हो गया है, लेकिन मार्क्स रह जाते हैं, मार्क्स रह जाएंगे। अगर हाँ हो सकता है, अगर अब इसमें कोई लिक्विड यूज़ करो तो ये पूरा भी रब हो जाएगा मार्कर का मार्क। अब ग्लॉस माइका यूज़ पे हम लोग रब करते हैं, ये ग्लॉस पे तो निकल गया। अब हम लोग यूज़ कर लेते हैं ये चीज़, रिमूव करते हैं ग्लॉस पीवीसी से, तो ग्लॉस पीवीसी से तो बहुत ही आसानी से रिमूव हो गया, रिमूव। अब ये मैट पीवीसी से हम लोग रिमूव कर रहे हैं, इससे भी ये रिमूव हो गया। अब हम टेस्ट कर लेते हैं इस पे हमारे ब्लेड्स, ब्लेड का वार भी देख लेते हैं कि कौन सा माइका ज़्यादा सह पाता है। तो हम लोग पहले यूज़ करते हैं ग्लॉस माइके पे, जैसे कि ग्लॉस माइका है, हम लोग इस पर करते थे शेड्स, तो कुछ स्क्रैचेस आ जा रहे हैं इस पे, ये स्क्रैचेस आ गए हैं ग्लॉस माइके पे। अब ये है मैट माइका, मैट माइके पे भी हम लोग यूज़ कर देते हैं, तो ग्लॉस माइक मैट माइके पे आया है स्क्रैचेस, लेकिन बहुत कम है, तो ऑफकोर्स ये ग्लॉस माइके से ज़्यादा अच्छा हुआ कि इसमें आप स्क्रैचेस नहीं आ रहे ब्लेड से। अब हम लोग यूज़ कर लेते हैं ग्लॉस पीवीसी पे, तो ग्लॉस पीवीसी पे जो है स्क्रैचेस ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ये पीवीसी है, इसके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग होगी, तो ब्लेड से ये पूरा निकल जा रहा है। अब यूज़ कर लेते हैं वही चीज़ हम लोग मैट पीवीसी पे, तो इस पे क्या हो रहा है, स्क्रैचेस दिख रहे नहीं है मैट पे, लेकिन ये है कि जो इसके ऊपर की कोटिंग थी, ये वाली ये कोटिंग है कुछ, इसमें वो निकल जा रही है। लेकिन अगर आप इसको हटा दो, अच्छे से रफ कर दो, पूरा मैं साफ़ कर देता हूँ ये, तो आपको स्क्रैच नहीं दिख रहा, लेकिन इसके ऊपर की जो कोटिंग है वो हट चुकी है। और ये ग्लॉस पीवीसी, ये मैट माइका, ये ग्लॉस माइका। अब हम इस पे देख लेते हैं सीज़र से, जैसे कि कोई कोई बच्चे रहते हैं कि वो सीज़र ऐसे कर देते हैं या कर दे, बच्चे ना कर, लेकिन हमसे कभी कुछ नौकरी चीज़ लग जाती होगी, तो इस पर भी हम लोग टच कर लेते हैं। तो ये मैट माइका है, तो फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं काफ़ी ज़ोर से मार रहा हूँ। ये ग्लॉस माइका, इस पर भी कोई डेंट या कोई भी टूटने का निशान नहीं है। ग्लॉस पीवीसी, कुछ भी नहीं हुआ इस पर भी। और मैट पीवीसी, तो उस पर भी कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि
मार रखने की स्ट्रेंथ चारों के चारों बैर कर पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं वाटर टेस्ट। दिखने में मैंने ग्रे कलर लिया हुआ है। ग्रे कलर को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये लाइट कलर है और इस पर अगर मैं कुछ भी टेस्ट कर रहा हूँ या कुछ भी मार्किंग कर रहा हूँ तो बहुत इजीली दिखता है। और सेकेंडली ये चूज़ करने का मतलब भी यही था कि ग्रे कलर बहुत ही कॉमन है, हर कोई यूज़ करता है और हर जगह पे देखने भी मिल जाता है। जैसे कि आप ग्रे गोल्ड यूज़ कर सकते हैं, ग्रे कॉपर यूज़ कर सकते हैं, ग्रे ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, ग्रे ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा वो कॉम्बिनेशन आता है। वाटर टेस्ट करके देख लेते हैं। वैसे कि भी हमने पानी पहले मैं मैट माइके पे यूज़ कर लेता हूँ। ये मैट माइका है, अभी इसको फ्रंट से डाल देता हूँ मैं। फ्रंट में कोई भी माइके पे या किसी भी तरीके का लैमिनेट, चाहे वो एक्रिलिक हो, पीवीसी हो, या ये सन माइका हो, ये सन बोर्ड आता है वो, तो उसमें आप अगर सामने से डाल रहे हो पानी तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा चारों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सामने से ये कुछ ना कुछ तो लेयर्स हैं, जैसे इस पर भी कलर की लेयर्स है, फिर और इसके पीछे है बैक साइड और पीवीसी में भी ऊपर लेयर्स हैं, तो फ्रंट से कोई भी चीज़ नहीं डैमेज होने वाली, जैसे कि भी पानी जहाँ का वहीं है। अब मैं यही चीज़ अगर ग्लॉस पे भी डाल देता हूँ थोड़ा सा, और यही चीज़ मैं मैट पे भी डाल देता हूँ, और यही चीज़ मैं ग्लॉस माइके पे भी डाल देता हूँ। तो अभी ये चारों पे जो पानी है ये फ्रंट साइड से है, तो ये फ्रंट साइड से जो पानी है वैसे का वैसे ही रहने वाला है, कोई भी चीज़ इसमें डैमेज नहीं होगी, ये काफ़ी टाइम तक रहेगा तो भी, क्योंकि अगर आप देखा तो यहाँ का पानी जैसे का वैसे ही है, ज़रा सा भी नहीं हिल डुल रहा, वहीं का वहीं है। ये दोनों जो है पीवीसी हैं, ग्लॉस पीवीसी एंड मैट पीवीसी, और ये है मैट माइका। मैट माइके का पानी आप देखो सब फैलने लगा है, फैल रहा है वो धीरे धीरे, यानी कि ये अपने तरफ अंदर कर रहा है पानी को अंदर ले रहा है, और ये भी धीरे धीरे फेड हो रहा है। लेकिन ये कहाँ से फेड हुआ है, जहाँ पे स्क्रैचेस लगे हैं ना ये पानी वहाँ पे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे भी जहाँ पे स्क्रैच लगा था ना ये पानी वहीं पे जा रहा है, लेकिन फ्रंट से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा चारों चीज़ों में, चारों चीज़ें फ्रंट से परफेक्ट हैं। बैक से देख लेते हैं। ये है हमारे पीवीसी ग्लॉस एंड मैट, ये है हमारे माइके मैट एंड ग्लॉस। ये उसी का एक सीट है जो भी बैंड में टूट गया था, मैं उसको साइड में कर देता हूँ। अब पानी का टेस्ट कर लेते पीछे से हम। अभी यहाँ पे माइके पे मैंने पानी डाला हुआ है, ये पानी पूरा का पूरा फेड भी हो गया, प्लस ये सक कर रहा है, ये पानी को सन माइका अपने अंदर ले रहा है। तो इससे क्या होता है, जब से कि ये लेमिनेट्स है मेरे, ये भी सन माइका ही लगा हुआ है टेबल पे, जब यहाँ की और यहाँ की जो जॉइंट है, ये जॉइंट के बाद जब पानी पहुँच, जैसे भी यहाँ से गिर रहा है, जैसे पानी पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो ये अंदर पानी अपने अंदर ले लेगा। क्यों ले लेगा, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल अपने सामने ही दिख रहा है कि पानी को खींच रहा है अपनी तरफ। जब ये अंदर चले जाएगा तो क्या होता है, प्लाई हमारी फूल जाती है, सनमाइका भी फूल जाता है, और फिर ये जो है भले कितना भी महंगा हो, 4,000-5,000-10,000 की भी आप शीट ले रहे हो, लेमिनेट हो अगर वो है, चाहे वो 1 mm हो, 2 mm हो, 0.8 हो, तो वो फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी इसके अंदर चले गया है और ये पानी नहीं सूखेगा। अगर पानी सामने से गिरा होता तो सूख भी जाता, हवा से या पोंछ सकते थे तो सूख जाता, लेकिन बैग से ये ऐसे ही गीला ही रहने वाला है। अगर मैं इसको कितना भी कर दूँ ये गीला ही रहेगा, तो गीले की वजह से क्या होगा, फिर आपकी प्लाई भी ख़राब हो जाएगी। ग्लॉस माइका और ये है मैट माइका, दोनों का सेम कंडीशन है, दोनों ही भीग चुका है और ये दोनों जल्दी नहीं सूखेगा पीछे से, फ्रंट से ऑल ओके, लेकिन बैग से नॉट। ये सर आपका प्लाई भी ख़राब कर देगा, फिर इससे क्या होगा कि आपके मटेरियल ख़राब, आपका लेबर ख़राब, जो अपने लेबर पे कर चुका होगा पेमेंट, पैसे के वेस्ट, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा क्योंकि उसको वापस रिप्लेस करना होगा। जब वापस रिप्लेस करने जाओगे तो सिर्फ इतना पार्ट फूला होगा, बाकी का सब अच्छा होगा, तो ये चीज़ सिर्फ इतनी रिप्लेस नहीं होती, रिप्लेस में आपको पूरा रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज और काफ़ी सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। और यहाँ पे ये पीवीसी है, पीवीसी का पानी जब बाहर पी भी था तो भी वो वैसे ही का वैसे ही था, और जब अंदर है तो भी ये वहाँ का वहीं है, ये हिला डुला तक नहीं,
ये अंदर की तरफ है, अगर मैं इसमें से पानी हटा देता हूँ तो भी ये अंदर से हट गया, अंदर की तरफ से भी ज़्यादा पानी नहीं रहने वाला है क्योंकि वो हट चुका है, ना ही वो अंदर अपने रखने वाला है ना कुछ। जैसे कि इसमें ये पानी जो है ये पूरा का पूरा जैसे था वैसे ही, जो ओवर था वो हट गया लेकिन बाकी का वैसे ही, और अभी भी मेरे हाथ में पानी लग रहा है, ये देखो गिर रहा पानी मेरे हाथ से। और वही चीज़ अगर मैं पीवीसी में दिखाऊं तो पीवीसी में अब जो है सिर्फ हल्की हल्की परत है नमी जैसी, लेकिन अब नहीं है, ये पूरा का पूरा सूख चुका है, हल्के हल्के बस बबल्स टाइप है, ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। और यही मैट का भी है कि मैट में पानी रुकेगा भी नहीं, सेम थिंग। तो ये वाटर टेस्ट में ऑफकोर्स पीवीसी ज़्यादा बेटर है, पेन मार्कर और पेंसिल टेस्ट में भी पीवीसी ज़्यादा बेटर है, और वाटर टेस्ट में भी हो गए अब। और हमारे बेंड टेस्ट में भी देखिए आपने कि पीवीसी बेटर है, वो भी टूट जा रहा है उसमें। अब हमारा फायर टेस्ट भी देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मिथ होती है कि नहीं यूज़ करना चाहिए, ख़राब हो जाता है ऐसा वैसा। ऑफकोर्स आग से तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है, इन सब की सिर्फ डेंसिटी होती है कि कुछ टाइम तक वो होल्ड कर सकते हैं। तो अभी मैं पानी से यूज़ कर आग से ग्लॉस माइके को हम लोग अभी फायर टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं फायर को कर लेता हूँ। तो इतने आज तक इतने ऊपर किचन होता होगा तो हम लोग इसको इतने ऊपर पे रख देते हैं। तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा, अगर नज़दीक नज़दीक भी लेके आ रहा हूँ मैं तो ये हाथ जलने लग रहा है, ये जलने लग रहा है बैक साइड से, तो ये जल जाएगा ज़्यादा टाइम तक करूँगा तो मैं ऑफिस में मेरी नहीं कर सकता हूँ। और ये फ्रंट साइड से भी हम देख लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, धब्बा पड़ जा रहा है इस पर, और थोड़ी देर करूँगा तो ये जल जाएगा क्योंकि स्मेल आने लगी है, ये ख़राब हो जाएगा। अगर मैं पोछ दिया हूँ इसको, साफ़ कर दिया तो ये साफ़ भी हो गया है, ग्लॉस माइका है। और बैक से ये साफ़ नहीं हो रहा है, बैक से वैसे ही मार्क है, फ्रंट से साफ़ हो गया लेकिन स्मेल बहुत गंदी आ रही है। और हाँ नरम हो चुका है, ये काफ़ी नरम हो चुका है, टूट जाएगा, काफ़ी नरम हो चुका है। ये ग्लॉस माइका, अब देखते हैं मैट माइके में। फ्रंट से देखते हैं, इसमें भी स्मेल बहुत बुरी आ रही है, तो ये भी ये जल जाएगा। अभी बैक से करके देख लेते हैं, मतलब इतने टाइम तक 5-10 मिनट अगर होल्ड कर सकते हैं कोशिश तो ठीक है, क्योंकि टाइम में कुछ हो सकता है इसमें तो आग पकड़ ली। स्मेल भी बहुत बेकार आ रही है, तो ये सब तो मेरे को नहीं लगता कि ज़रा सा भी झेल पाएंगे, क्योंकि मैंने 1 मिनट तक भी इसमें फायर नहीं लगाई और ये जलने लगा है, ये मैट माइका है। अब देखते हैं हम लोग ग्लॉस पीवीसी में, ये ग्लॉस पीवीसी है एडवांस ब्रांड का, हम लोग वही 5 साल से यूज़ कर रहे हैं एडवांस ब्रांड के पीवीसी। अभी मैं ग्लॉस पीवीसी यूज़ कर रहा हूँ, ये पिघल रहा है, इसमें से प्लास्टिक की बू आ रही है, जैसे प्लास्टिक गलाते हैं उस टाइप की बू आ रही है, स्मेल वैसे ही कर रहा है वो, लेकिन ये आग को पकड़ नहीं रहा है, जैसे आग पकड़ रहा था लेमिनेट हमारा, वही आग नहीं पकड़ रहा, बस ये सिकुड़ रहा है बैक साइड से। फ्रंट से देख लेते हैं कैसा होता है, फ्रंट से भी इसका सेम वही है, ये सिर्फ सिकुड़ रहा है, आग नहीं पकड़ रही है इसमें, उसमें आग पकड़ रही थी, इसमें आग नहीं पकड़ रही है। ये है पीवीसी ग्लॉस, इसी कंडीशन कुछ ऐसी है। अब मैट का भी देख लेते हैं, पहले बैक से देख लेते हैं,
ये एडवांस ब्रांड का है पीवीसी, ये भी जो है सिर्फ बैंड हो रहा है लेकिन इसमें आग नहीं पकड़ रही है। अब देख लेता हूँ फ्रंट साइड से, जो कि मैं इतना आग को इतना नजदीक ले जा रहा हूँ, किचन में इतनी नजदीक तो कोई फर्नीचर होता नहीं है, बस एक ड्यूरेबिलिटी समझने के लिए मैं इतना नजदीक ले जा रहा हूँ। फ्रंट से भी वो सिर्फ सुकुड़ रहा है, मतलब सिर्फ सुकुड़ जा रहा है वो, लेकिन इसमें आग नहीं पकड़ रही है। और इसमें मैट माइके में आग पकड़ रही थी, इसमें नहीं पकड़ रही है, ये दोनों पीवीसी में आग नहीं पकड़ रही, जस्ट वो सिकुड़ रहा है। और ग्लॉस में भी आग नहीं पकड़ रही थी ग्लॉस माइके में, लेकिन मैट में आग पकड़ रही है। तो ये थे हमारे कुछ टेस्ट जो कि माइके में कर दिए। ये चारों के चारों जो होते हैं रेगुलर चलते हैं, अक्सर लोग जाते हैं तो मार्केट में यही ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा माइका कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, लाइक मार्बल प्रिंट वाले हो गए या हमारे प्लेन हो गए या कोई शेड्स हो गए फ्लावर प्रिंट वाले, ये सारे उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। और कौन से माइका को कहाँ यूज़ करना है, जैसे कि मैट माइके और पीवीसी माइके और अपने लेमिनेट्स को कैसे यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा।